सो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बार कि आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज मैंने एक बोया का BYM1 माइक खरीदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट से मंगाया था उसको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डब्बा रहा है, मेरा BY यहाँ पे देख सकते हैं BYM1 माइक, जो कि दोस्तों तो मैंने थंबनेल पे लगाया था कि यूट्यूब से खरीदा हुआ था। तो नहीं दोस्तों, तो यूट्यूब के मनी से नहीं खरीदा हुआ था। मैं बता देता हूँ कि मैं 12 बजे रात को ऐसे ही फ्लिपकार्ट स्क्रॉल कर रहा था, तब तक मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि BYM1 का ऑफर लगा हुआ है। जो दोस्तों तो मैं बहुत ही सस्ता में खरीद लिया हूँ। मैं ये माइक खरीदा हुआ हूँ सिर्फ मात्र मतलब कि 365 रुपये में। जी दोस्तों, तो 365 रुपये में माइक खरीदा हुआ हूँ। जो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अभी उतना पता नहीं मिलेगा, पता नहीं कितना दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं देखिए कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या सामान इसमें से निकलता है। जैसे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा हो गया है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था। यहाँ पे ये जो है पत्र लेटर जो है मेरे नाम से है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा संदेश कुमार अलग जी लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं साइड में और इसे जो है यहाँ पे पहले से ही आते रहते हैं, खोल दिए मैं। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डब्बा है, डब्बा के ऊपर से प्लास्टिक निकालते हैं, इसको लिख देते हैं साइड में। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बोया BYM1 यहाँ पे माइक है दोस्तों। तो इसे चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकल रहा है सामान। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यशको में, यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक निकलता है झोला, इसमें से एक झोला निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं बटुए की तरह है, यहाँ पे बोया लिखा हुआ है और इसमें एक यहाँ पे पत्र है जो यहाँ पे कार्ड दिया हुआ है, वारंटी कार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं वारंटी कार्ड दिया हुआ है, वारंटी कार्ड और यहाँ पे बोया, यहाँ पे बायोग्राफ दिया हुआ है कैसे कैसे इसे यूज़ करना है और कैसे नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे पढ़कर यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसे साइड में लगाइए, ठीक है। और इसे इस झोले को ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैंने ओपन करता हूँ इसे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला माइक जो निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निकल गया मेरा माइक। और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे केमिकल दिया हुआ है कि इसे कुछ कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। तो इसे साइड में लगा देते हैं। समझ लीजिए चीनी है, शुगर यानी चीनी है, इसे साइड में लगा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, देखते हैं। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है एक बैटरी सेल जो उसमें जो माइक में लगा होता है, और यहाँ पे जो है नॉइज वाला जो है इसमें लगता है। और यहाँ पे कॉलर पर चपने वाला कॉर्ड है। कॉर्ड के बाद ये वाला है जैक, पिन मोटा वाला जो कैमरा में लगाया जाता है, जैसे कैमरा में यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास कैमरा तो नहीं है, तो कैमरा में कैसे यूज़ करूँगा, इसे चलिए रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा एक वायर है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा इसे यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करके चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसे ओपन करते, इसे यहाँ पे खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे सेल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस इधर माइनस, तो प्लस वाला ये वाला जो है बैटरी का ये वाला भाग जो है प्लस है, ये वाला जो है माइनस है। तो इसे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे जो है लगा देते हैं, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर। यहाँ पे जो डोरी दिया हुआ है इसको नीचे रखकर लगाया जाएगा ताकि निकलने में आसानी हो, ठीक है। इसे लगा देते हैं और यहाँ से फिर से बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसे बंद करते हैं और दोस्तों बताते हैं इसे यूज करके। यहाँ पर हो गया बंद, ये वाला जो है ऑफ ऑन दिया हुआ है। यहाँ पे कैमरा में जो लगाए हुए हैं चेक पिन, जब लगाइएगा कैमरा में इसे कैमरा की तरफ कर दीजिएगा, और स्मार्टफोन लगाइएगा तो नीचे की तरफ स्मार्ट की तरफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसे चलिए यूज करके दिखाते हैं अभी। तो चलिए तो दोस्तों तो सब चलिए तो इसे पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे जो है इसे लगा लेते हैं, आस्ते से लगा लेना यहाँ पे, जो नॉइज नहीं भी देता है। और यहाँ पे जो कवर है इसे भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो कवर को यहाँ पे आराम से आस्ते से लगा लीजिएगा ताकि टूटे ना, ये जो होता है ना फाइबर का है, ठीक है। और के ऑटो वाला है लोहे का है, ठीक है। इसे देख सकते हैं कॉलर पर लगा लीजिएगा। चलिए इसे लगा कर बात करते हैं आपसे कैसे बात होता है। सो दोस्तों तो देख सकते हैं मुझे माइक लगा लिया हूँ, ये माइक कैसे काम कर रहा है। जी दोस्तों, तो कैसा अच्छा काम कर रहा है कि कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसा आवाज़ जा रहा है आपके पास। जी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अनबॉक्सिंग अच्छा होगा, तो लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि फिर हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।